ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई का दिन आज है। चूंकि व्यास जी तहखाने में पूजा रुकवाने की याचिका है और इसी याचिका को कोर्ट में आज सुना जाना है। व्यास जी तहखाने में पूजा के फैसले को चुनौती दी गई है इंतजामिया कमेटी की ओर से। इंतजामिया कमेटी चाहती है कि ये जो रोजाना पूजा का अधिकार है, जो रोजाना पूजा हो रही है, उसे रोका जाना चाहिए और इसी याचिका को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। इंतजामिया कमेटी जो है वो व्यास जी के तहखाने को खुलवाने का विरोध कर रही है, वहाँ पूजा के अधिकार को रोकना चाहती है और साथ ही साथ जो व्यास जी तहखाने में ताले खुलने की खबर है उसे हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत कहा। रोजाना बेसिस पर वहां पूजा भी हो रही है, कई तस्वीरें भी अलग अलग सामने आई हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर पहले कथित शिवलिंग को लेकर, फिर अब व्यास जी तहखाने को लेकर अलग अलग दलीलें दी गई हैं दोनों ही पक्षों की ओर से, चाहे वो हिंदू पक्ष है या फिर मुस्लिम पक्ष है। और अलग अलग अदालतों में भी ये मामला ऑलरेडी चल रहा है। अब ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई का दिन आज, जब व्यास जी तहखाने में पूजा रुकवाने की याचिका इंतजामिया कमेटी की ओर से लगाई गई है। इंतजामिया कमेटी इसे गलत मानती है। आकाश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चूंकि इंतजामिया कमेटी पूजा के अधिकार को रोकना चाहती है, रोजाना जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही है उसे रुकवाना चाहती है, सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई, आज कोर्ट पर निगाहें रहेंगी? देखिए, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और काशी की नहीं, पूरे देश के लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है या फिर किस तरीके के दलीलें सर्वोच्च न्यायालय में दिया जाता है। देखिए, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जब गया था, हाईकोर्ट में उन्होंने यही दलील दिया था कि किसी भी दस्तावेज में व्यास जी के तहखाने का जिक्र नहीं है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। और मुस्लिम पक्ष के लिए ये आखिरी रास्ता है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इस पूजा, जो पूजा की प्रक्रिया चल रही है, इसे रोकने के लिए अनुमति नहीं देती तो ये पूजा अब जारी रहेगा और मुस्लिम पक्ष के लिए ये आखिरी रास्ता है। और दोपहर के बाद किस तरीके से सुनवाई होती ये देखना दिलचस्प होगा। रत्ना जी, आकाश, लेकिन ये दोनों तरफ से एतराज जाहिर किया गया था, व्यास जी के तहखाने के ठीक ऊपर ही नमाज अदा की जाती है, हिंदू पक्ष को ये आपत्ति थी कि भाई नीचे पूजा हो रही है, ऊपर अगर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे तो कोई हादसा हो सकता है, तो इसे रुकवाया जाना चाहिए। इसके ठीक उलट इंतजामिया कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, याचिका लगा दी कि भाई ये जो पूजा है इसे रुकवाया जाना चाहिए। देखिए, ये लोग पूजा भी रुकवा रहे हैं, उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पूजा प्रारंभ नहीं हुआ था तो पूजा बंद किया जाए, ये एक पक्षी सुनवाई ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट में जब दलील दिया गया था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता के द्वारा, यही कहा जा रहा था कि एक पक्षी जो बनारस के तत्कालीन जिला जज जैसे कि विश्वेश है, उन पे भी आरोप लगाया जा रहा था। उसके साथ ही आपको जो आप कह रहे हैं कि एक नया मुकदमा डाला गया है, दरअसल बनारस में एक नया मुकदमा इस पक्ष पे डाला गया है कि जो व्यास जी का तहखाना है वो काफी पुराना है और काफी जर्जर हो गया है, और इसकी मरम्मत को लेकर और जो मुस्लिम पक्ष के लोग जो ज्ञानवापी में नमाज करने पहुंचते हैं उनकी संख्या में कमी करने को लेकर याचिका डाला गया, तो ये बनारस के जिला जज के पास याचिका है, इस पे तो निचली यहाँ पे सुनवाई होना है, लेकिन आज की जो सुनवाई है वो व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना रोकने को लेकर है, क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज किया था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख रखे हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग, तो आज देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है या फिर मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष क्या दलील कोर्ट में आज देते हैं। अच्छा आकाश, अगर आप एक आइडिया बता पाए किस वक्त इस मामले को सुना जाएगा और साथ ही क्या आज फैसले का दिन है या फिर हो सकता है दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दें और आगे के लिए ये मामला फिर अगली सुनवाई की डेट मिल जाए? देखिए, आज जो होगा, आज कोर्ट में केवल दलीलें दिया जाएगा, इसमें मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, एक वक्त मिलेगा तो जो हिंदू पक्ष है वो भी दलील रखेगा, और ये जो समय है ये 12 बजे के बाद समय रखा गया है, तो 12 बजे के बाद काशी ही नहीं पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की दलीलें दी जाती हैं, दी जाएगी व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना रोकने को लेकर या पूजा अर्चना जारी रखने को लेकर। ठीक है आकाश, नजर आप बनाए रखिएगा। आकाश बता रहे हैं 12 बजे के बाद इस मामले को सुना जाएगा, अभी दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, फिर कोर्ट तय करेगा कि रुख क्या इस मामले पर रहता है। आकाश, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।